इस पर। आर डी बर्मन जी पे एक फिल्म बन चुकी है ऑलरेडी विच इज़ कॉल्ड पंचम दा आई थिंक इट्स कॉल्ड। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म एक्चुअली सोनी पर आई थी और इट्स वेरी सैड दैट इट डिडंट रियली गेट द काइंड ऑफ व्यूअरशिप इट रिक्वायर्ड, बट आई थिंक इफ इट वुड हैव बीन ग्रेट इफ इट रियली गॉट टू यू नो डिजिटल कॉन्टेंट एंड बिकॉज दैट वे। तो पंचम दा पे फिल्म बनी है, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, इट केम आउट अबाउट 3 years ago. It released on Sony Mix or so, I don't know which channel. आपको लगता है कि मास ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए उनकी बायोपिक? बेशक, आई थिंक उनका म्यूजिक आज भी जिंदा है, उनका म्यूजिक आज भी हम सुनते हैं, तो यू नो पहुंचनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से यू नो टेलीविजन अपनी जगह पे बहुत ही कमाल कर रहा है, लेकिन अगर ये सेम चीज़ अगर डिजिटल पे आ जाती है तो यू नो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ टेलीविजन पे आती है वो पूरी दुनिया नहीं देख सकती बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग द वे इट इज़। इंडिया ऑफ कोर्स वॉचेज इट, जितना इंडिया देखता है उतना देखता है, जितना बीम होता है बाहर, बट जैसे पंचमदा जैसे वो बायोपिक जैसे बनी थी, अगर उसी तरह डिजिटल पे अगर वो बने तो यू नो कैनेडा अमेरिका यूके इस तरह के कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग हैं जो ये डिजिटल कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे, तो आई थिंक इट्स बेटर इट गोज़ ऑन डिजिटल एज वेल।